हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। आई एम धर्मसर, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, मैं आज आपको रोज़ जो डेली यूज हम अपने घरों पर, बाजार में, मार्केट में कहीं ना कहीं इन सेंटेंसों का यूज करते हैं, तो उनको बनाना हम सीखेंगे। और अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसानी से आएगी। ये स्पीकिंग कोर्स करना आपको आसान होगा और बेहतर से आप समझ सकेंगे। और कहीं भी ऑफिस में, कार्यालय में, या आपकी जो है एनी प्लेसेस कहीं आप जाते हैं, तो इस तरह से आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो कोशिश ज़्यादा करें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें और रोज़ इन सेंटेंसों का अभ्यास करें। प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश आती है, याद करने से इंग्लिश नहीं आती। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और अब इसमें हम सेंटेंस को बनाने चलते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा हो, पुराने वीडियो को देखें, जिससे आसानी समझ में आए। हमारे उसमें जो है, हमने ट्रांसलेशन से शुरुआत किया है। और आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आसानी से समझ में आ जाएगा। और अभी हमने बेसिक से शुरू किया, तो आप सभी लोग अपना पूरा प्यार दुलार और सहयोग दें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आए। अब आगे हमें है कि सेंटेंस अब हमें चलना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए। आपकी इंग्लिश आपको पता है, नाउ हमें चलना चाहिए या आओ चलें, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। अब हमें चलना चाहिए, तो आपकी इंग्लिश बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस गो नाउ, लेट अस गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए। अथवा नाउ लेट अस गो, नाउ लेट अस गो, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो या लेट अस गो नाउ, दोनों अच्छे हैं। अब हमें सोना चाहिए, लेट अस स्लीप नाउ, ठीक है। अब हमें खाना चाहिए, लेट अस ईट नाउ, अब हमें खाना खाना चाहिए। अगर इसमें है खाना खाना चाहिए, लेट अस ईट फूड नाउ। अब हमें पढ़ना चाहिए, तो लेट अस रीड नाउ, अब हमें पढ़ना चाहिए। अब हमें उठना चाहिए, तो लेट अस अवेक, अवेक माने जागना, ठीक है, अवेक नाउ। अब हमें जाना चाहिए, इसका भी होगा लेट अस गो नाउ। वैसे चलना का मूव कर दो ज्यादा बेहतर होगा, मूव लेट अस गो नाउ। ठीक है, अब हमें खेलना चाहिए, लेट अस प्ले नाउ, ठीक। अब हमें बातें करना चाहिए, लेट अस टॉक नाउ। अब हमें नाश्ता लेना चाहिए, लेट अस टेक लंच, लंच नाउ, ठीक है। अब हमें बैठना चाहिए, लेट अस सीट नाउ। अब हमें दवाई लेना चाहिए, लेट अस टेक मेडिसिन, अब हमें बाजार जाना चाहिए, लेट अस गो टू मार्केट, अस गो टू मार्केट नाउ, या इसको लगा दो नाउ लेट अस गो टू मार्केट। अब हमें मार्केट बेहतर ही होगा कि हम यहाँ पर आगे लगा दें, नाउ लेट अस गो टू मार्केट, नाउ लेट अस गो टू मार्केट, ओके
और आगे सेंटेंसों को हम देखते हैं। सेंटेंस है आओ चले, आओ चले, आओ चले की इंग्लिश होती है लेट अस गो, आओ चले, आओ बातें करें, लेट अस टॉक, टॉक माने बातचीत करना, तो बातें करें, आओ सैर करें, तो आओ लेट अस वॉक, वॉक माने सैर करना होता है, ठीक है। आओ बाजार चले, इसका हो जाएगा लेट अस गो कहाँ, मार्केट, टू मार्केट, ओके, आ रहा समझ में। तो इस तरह से आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आओ गीत गाएं, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, लेट अस ईट फूड, लेट अस ईट द फूड, आओ कैरम खिले, तो लेट अस प्ले कैरम, CAROM कैरम, आओ आनंद लें, लेट अस टेक एंजॉय, आओ नाश्ता लें, लेट अस टेक लंच, आओ मंदिर चलें, लेट अस गो टू टेम्पल नाउ, लेट अस गो टू टेम्पल नाउ नहीं, आओ जूस पिएं, क्या हो जाएगा लेट अस ड्रिंक जूस, आओ घर चले, लेट अस गो टू होम, आओ घर चले होम, क्योंकि अपने घर जाने की बात हो रही है, जब दूसरे के घर को जाते हैं तो वहाँ पे हाउस यूज होता है, आओ टीवी देखें, तो लेट अस वॉच टीवी, टीवी देखने को हम वॉच बोलते हैं, ना कि सी और ना लुक, आओ गीत सुने, लेट अस लिसन ए सॉन्ग, ठीक है। आओ कपड़े खरीदे, मतलब लेट अस बाई, बाई परचेज भी कर सकते हैं, लेट अस बाई क्लोथ्स, आओ किताब पढ़ें, लेट अस रीड द बुक, आओ पूजा करें, लेट अस वर्शिप, आओ पूजा करें, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, ओके। आओ दौड़े, लेट अस रन, लेट अस रन। तो प्यारे बच्चों, ये आपके डेली यूज के सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कंटिन्यूटी यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बोलना सीखेंगे, रोज कम से कम 30 है 20 है तो 10 का पर डे का एक कंटिन्यूटी बनाएं और पर डे 10 सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करें, आपस में घर में और कोई है तो उससे मिल करके बातें करें और उसको समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इफ़ यू डू, यू विल डू मच प्रैक्टिस, देन यू कैन स्पीक वेरी इजीली एज सुन एज, आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आई होप यू विल ट्राई एंड विल अंडरस्टैंड माई एडवाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।